आदर के पात्र श्रोतागणों, आप लोगों ने सूनी गोद और पहत्यारी माई किस्सा का पहला भाग सुना। अब इसी किस्सा का दूसरा भाग त्रिमूर्टिक एसिड के सौजन से आपके बीच में दर्शाने जा रही हूँ। तो आ जाइए श्रवण करते हैं। जब कांता ने अपने बेटा को अपने पास में नहीं देखा तो आज अपने बेटा को ढूंढने लगी है और रोने लगी है और क्या कह रही है, कह रही है, हे भगवान, मेरा बेटा मेरे पास में था, पता नहीं कहाँ चला गया, और रोने लगी है, कहाँ लाल गया मेरा, मेरी नजर न आता है, कहाँ लाल गया मेरा, मेरी नजर न आता है।
कांता बहुत रो रही है, गांव वाले समझा रहे हैं, कह रहे हैं कांता, कांता बेहद रो रही, करती पुत्र पुकार, धीरज रख कांता लली, कहे नगर नर नार। कांता की व्याकुलता को देखकर सब समझा रहे हैं, कह रहे हैं बेटी धैर्य धारण करो, हम तुम्हारे पुत्र को खोज निकालेंगे। लेकिन कांता को धैर्य नहीं आ रहा है और रो रही है, कैसे? बोली रो के बानी, मेरी गोद के खिलैया, किस्मत हमारी खोटी, कहाँ बिछड़ा कुमल कन्हैया, किस्मत हमारी खोटी, कहाँ बिछड़ा कुमल कन्हैया। बतलाओ मेरा कुमार खिलौना कहाँ गया, मैंने पाला था ना
से मेरे लाल कलेजा तोड़ दिया। क्यों बज किया तूने दिल को मेरी ममता को तोड़ दिया। बेटा तुम कहाँ हो? करुड़ क्रंदन कर रही है, उसका भाई सुंदर सिंह कहता है बहन धैर्य धारण करो, मैं कोशिश करके तुम्हारे पुत्र को ढूंढ निकालूंगा, बहन धैर्य धारण करो। और अपनी बहन कांता को सुंदर सिंह समझा रहा है, कह रहा है बहन मिले तेरो लाल, बहन मेरी प्यारी तुम धीरज बहना लइयो री, मिले कुमर हजारी। तुम धीरज बहना लइयो री, मिले कुमर हजारी। सुंदर सिंह अपनी बहन को समझा रहा है तो कांता कहने लगी, भैया बहना सुन के बात आज घबरात बिरन हितकारी, अरे हितकारी बिरन हितकारी। सासुन की न मानी बात, सासू हुई गई आज खुआरी। सासुन की न मानी बात, सासे हुई गई आज खुआरी। अगर मैं सासुर की बात मान लेती तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता, भैया ये दिन मेरी आंखों के सामने नहीं आता। कांता कहने लगी, भैया मेरी सासुर ने मना किया पर मैंने
नसीबा फूट गया मेरी भाई कुटुंब की हानि रे। हाय नसीबा फूट गया मेरी भाई कुटुंब की हानि रे। भैया कैसे जीवन होई हमारो, हाय बुढ़ापा बिगड़ गया। मेरी नैया को पूत घी भैया कुमर का नैया बिछुड़ गया। इस तरह से रो रही है, कह रही है भैया मैं अपने बेटा के बगैर जी नहीं पाऊंगी। सुंदर सिंह अपनी बहन को समझा रहा है। आज जब नगर के लोग कांता की हालत को देख रहे हैं, कह रहे हैं हे भगवान ये क्या हुआ। तब तक एक गांव का छोटा सा लड़का कांता के पास में आके कहने लगा, बुआ बुआ एक बात कहूं। और कहने लगा, बुआ बुआ मानो बात हमारी, तेरो पूत नाए दुनिया में। बुआ मानो बात हमारी, तेरो पूत नाए दुनिया में। अब तुम्हारा बेटा इस संसार में नहीं है तो मैं नहीं पता बुआ, मैं बताता हूँ। और कहने लगा, तुमको बबज बनी दुखदाई, तुमको बबज बनी दुखदाई, बन बेटा लाओ उठाई, बाने बेटा लाओ उठाई। अरे गई काली भवन मझार, तेरो पूत नाए दुनिया में। बुआ मानो बात हमारी, तेरो लाल नाए दुनिया। मैंने तुम्हारी भाभी को, तुम्हारे पुत्र को ले जाते माँ काली के मंदिर की तरफ देखा था बुआ। और कहने लगा है, रात अंधेरी जाते देखा, रात अंधेरी जाते देखा, सबसे मन में लगो परेखा, सबसे मन में लगो परेखा। मैंने देखो नजर पसार, तेरो पूत नाए दुनिया में। बु
रहा है बुआ, शायद तुम्हारी भाभी की ये करामात तो नहीं है। कहने लगा है, शायद भवज बनी है प्यारी, बाने हन डारो तारी, बाने हन डारो तारी, अरे मत खाबो बुआ पचार तेरो फूल ना है दुनिया में। बुआ मानो बात हमार तेरो पूत ना है दुनिया में। श्रोता बंधुओं, उस बच्चे वाली बात कांता ने जब अपने भाई सुंदर सिंह को बताई तो पहले तो उसने मना किया कि बहन तुम्हारी भाभी ऐसी नहीं है, वो ऐसा कैसे कर सकती है बहन। मगर कांता कहने लगी है, नहीं भैया, मुझे लग रहा है तुम पूछ के तो देखो। आज सुंदर सिंह अपनी पत्नी से कहने लगा है, बार बार यो सुंदर पूछे सजनी सुनो हमार, कहाँ पे छिपाओ तुमने कांता को राज दुलार। निर्मला बताओ कांता का बेटा कहाँ है। बार बार यो सुंदर पूछे सजनी सुनो हमार, क्या कहाँ पे छुपाओ तुमने कांता को राज दुलार। और सुंदर सिंह कहने लगा है, निर्मला कहाँ कर दिया पुत्र बता दे तू प्यारी, बिना पुत्र के विकल कांता है भारी, बिना पुत्र के विकल कांता है प्यारी। मेरी बहन का है इकलौता मेरा प्राणी आधार, कहाँ पे छुपाओ तूने कांता को राज दुलार। पूछा तो एकदम अपने पिया से कहने लगी, पिया ये तुम मुझे क्या पूछ रहे हो, क्या मैंने उसे छिपा दिया है जो तुम इस तरह से मुझे पूछ रहे हो। नहीं पिया, और कहने लगी है, मुझको मालूम नहीं पिया मेरे हितकारी, मुझको मालूम नहीं पिया मेरे हितकारी, मैं क्यों छिपाऊं लाल कहे यूं हत्यारी, मैं क्यों छिपाऊं लाल कहे यूं हत्यारी, ऐसी भोली बनी हराम इन पापिन बड़ी लबार, कहां पे छुपाओ तेने कांता को राज दुलार। भाइयों ऐसी बोली बन गई मानो से कुछ नहीं पता है। लेकिन उसी समय सुंदर सिंह ने एक डंडा उठाया और क्या किया है, अरे सुंदर डंडा लाओ कि करी पिटाई है, सुंदर डंडा लाओ कि करी पिटाई है, न
खसक लो बेहा की खाल उड़ाई है। नख से कलो बेहा की खाल उड़ाई है। बोल बोल हत्यारी जल्दी ओ कामिन बदकार, कहाँ पे छुपाओ तूने कांता को राज दुलार। बार बार यो सुंदर पूछे सजनी सुनो हमार क्या, कहाँ पे छुपाओ तुमने कांता को राज दुलार। किस्सा प्रेमी श्रोतागणो, जब मार पड़ी तो एकदम चिल्लाने लगी, कहने लगी साजन साजन मुझ पर ही अनर्थ हो गया, अपनी गोद बसाने के लिए मैंने नंदी के बच्चे को मार डाला पिया। और कहने लगी है निर्मला, माफ करो बालम मेरे, मुझ पर खता ये बन गई, निज लाल की खातिर पिया ननदी बिहुनी कर दई, सूनी गोद मेरी हती मुझे आए रह रह ख्याल है, मैं हत्यारी बन गई कांता को भकिलो लाल है। भाइयों, ये बात गांव वालों को जब मालूम पड़ी सब विचार करने लगे, अरे निर्मला तू ही हत्यारी बन गई। इधर कांता अपनी भाभी से रो के कहने लगी है, भाभी ये तुमने क्या कर दिया। और रो के कहने लगी है, अरे तू भव जवनी हत्यारी, बेटा की हत्यारी बन गई। अरे तू भव जवनी हत्यारी, मेरो खाए लो कुमर जारी, नहीं करना था, तूने मेरे बेटा के साथ में बहुत बुरा किया भाभी। बोल भाई बोल, ऐसा तूने क्यों किया भाभी, बोलो तो सही। पूता की हती उमरिया बारी 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 बारी, अरे तिने कैसी उमती बिचारी, कांता रो करके कहने लगी है, भाभी तू ही मेरे बेटा की हत्यारी बन गई, क्या बिगाड़ा था मैंने जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी, बोल भाई बोल। और कहने लगी है, मेरी दीनी गोद उजाड़े भव जतोई कैसी बन आई, मेरे चैया कुंभल दे बता तू कहाँ पे कर आई, बोल भाभी बोल कहाँ है मेरा लाल, एक बार मेरे बेटा को दिखा दे भाभी, दिखाए दे मो को छैया है,
पिया प्यारी आई निपुती भावज तूने नंदी कर डाली भाभी तुम ही मेरी गोद को जानने वाली बन गई। ये तुमने क्या किया भाभी? ख्याल तेन मन में ना कियो कर दई सुनी गोद हाय तेन पाप कमाई लियो भई दोनों कुल की हानि दे धरनी में सी सकांता भारी बिलखानी कांता भारी विलखानी श्रोतागणो उस दृश्य को देखकर समस्त नर नारी बिलख पड़े। तब तक किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर निर्मला को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने लगे हैं। जब निर्मला की पिटाई की है तो हुआ क्या है? कर रही पुलिस पिटाई रे बेहाड करावे आए हाय रे डाहिन चिल्लावे जब पुलिस निर्मला में पिटाई लगा रही है तो अब तो चिल्ला रही है। कर रही पुलिस पिटाई रे बेहाड करावे आए हाय रे डाहिन चिल्लावे अब तो कह रही है हाय मुझे मत मारो। अरे ये कैसे क्या हो गया मुझे मत मारो और कह रही है मुझे मत मारो। हमको बता कहाँ है बेटा कच कच देत दरोगा छोटा अब तो पुलिस पूछ रही है बता कहाँ है लड़का कांता का बेटा कहाँ है तूने कहाँ छिपा दिया है। हमको बता कहाँ है बेटा कच कच देत दरोगा छोटा दीनो कहा दुकाई रे बेहाड कुराबे आए हाय रे डाहिन चिल्लावे कमीनी औरत तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे बता बेटा कहाँ है हत्यारी बोली। सुनो दरोगा जी मैं डाहिन बन गई हत्यारी। दरोगा जी हमसे भूल हो गई हमें न मारो। मैं डाहिन बन गई हत्यारी बलि चढ़ाओ कुमार हजारी बलि चढ़ाओ कुमार हजारी ऐसी बनी कसाई रे बेहाड करावे आए हाय रे डाहिन चिल्लावे। अब तो दरोगा जी के पैर पकड़ लिए कहने लगी मैंने ही बेटा को काट डाला है मुझे मत मारो। तो दरोगा जी गुस्सा में एकदम कहने लगे पापनी ये तो तूने अनर्थ कर डाला और कहने लगे हैं पापनी खास भांजो मारो पापनी खास बने जो मारो बेहते ने जुलम गुजारो जुलम गुजारो हे आसरा
अपनी गोद की खातिर ऐसा जुल्म कर डाला। पुलिस वालों से उस पापनी ने जब सारा हाल कहा, पुलिस वालों ने काली मैया के मंदिर के पिछवाड़े से लाश उखाड़ी। जैसे ही अपने पुत्र की जब लाश को कांता ने देखा है, व्याकुल हो गई। अपनी भाभी से बोली, भाभी ये तूने क्या किया? और रो के कांता कहने लगी, भाभी बनी कसाई दया न लाई डारे बादर भार, मेरे घर की फुलबारी को तूने दई उजारे। हाये क्या कर डारो ऊत इकलौता मारो। हाये क्या कर डारो ऊत इकलौता मारो। भाभी भाभी तूने ये क्या कर डाला? भाभी बेदर्दी बन कर तूने गुलशन चौपट कर डाला। कांता रो रही है, कह रही है, हे प्रभु ये मेरे साथ में क्या हो गया? हे भगवान ये क्या हो गया? और कह रही है, मैंने अच्छी राखी बांधी पीहर में लला गमाओ, मैंने अच्छी राखी बांधी पीहर में लला गमाओ। भाभी तूने मेरी गोद सूनी कर दी। भाभी ये तूने क्या किया? तेन जीवन भर को दुखड़ा दे दो बेहामों को, दुनिया में जगने वाला ईश्वर तो कसाई दया न लाई बादर डाले भार, मेरे घर की फुलबारी को तूने दा उजार। हाय क्या कर डालो पूत इकलौता मारो। श्रोता बंधुओ, बेचारी कांता
अपने बच्चे की याद करके बिलख रही है। इधर पुलिस उसकी भाभी को थाने में ले जाती है। कांता धीरज नहीं लाई, रो रही है आज लाश देख देख करके अपने बेटा की तरफ। जब रो रही है, अपने बेटा को अपनी गोदी में रख लिया है और कह रही है, बेटा तू कितना अच्छा था, तू कितना भोला था, प्यारा प्यारा था, ओ लाल ओ लाल, ओ लाल ओ लाल। सुंदर भैया, मेरे बेटा को देखो, कितना भोला था, आज ये चला गया। तू कितना अच्छा था, तू कितना भोला था, प्यारा प्यारा था, ओ लाल ओ लाल, ओ लाल ओ लाल। कहाँ हो मेरी लाल? आजा बेटा माँ रोती है, आजा बेटा माँ रोती है, तेरे बिना ओ कुमर कन्हैया बुझी बंस ज्योती है, तेरे बिना ओ कुमर कन्हैया बुझी बंस ज्योती है। बंस का दीपक था, लाली उजियारा था, प्यारा प्यारा था, ओ लाल मेरे लाल, ओ लाल ओ लाल। मेरे लाल, देख तो अपनी माँ की ओर देख, एक बार आगे खोल के देख बेटा। खोल दे आँखियाँ लालन प्यारे, खोल दे आँखियाँ लालन प्यारे, आज मेरे कुमर हजारी तेरी मात पुकारे, आज मेरे कुमर हजारी तेरी मत पुकारे। खिलैया हाथों का पाला नाजो का, प्यारा प्यारा था, ओ लाल ओ लाल, ओ लाल ओ लाल। प्यारा था, ओ लाल ओ लाल, ओ लाल ओ लाल। कांता रोती रोती बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है तो फिर कहने लगी है, प्रभु मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ, मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ, मेरी मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ, मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ, अरे मेरी गोद बिहूनी है गाई, गाई।
अरे मेरी भावत, अरे मेरी भावत बैरने गई। माता बहनों, कांता बहुत व्याकुल है, बेटा के बिना उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इधर कांता के पग जब घर लौटकर वापस आते हैं तो अपनी मैया से कहने लगे हैं, माँ कहाँ गई कांता तुरत, माता देव बताई मेरा दुलारा कहाँ गया, दे मैया समझाई। जब अपनी माँ से कांता के पति ने पूछा तो उसकी माँ कहने लगी है, बेटा रक्षा बंधन पे बेटा बउवर के मन में आई रे, राखी बांधन भैया कर मैं तेरी बहु सिधाई रे, संग के लाला कल लौट में आऊं रे, तीन दिना हो गए लाल पर नाए कांता आई रे, राखी बांधन भैया कर मैं तेरी बहु सिधाई रे, जब मैया ने सारी बात बेटा को बता दी और बोली, बेटा पता नहीं क्यों आज मुझे घबराहट सी हो रही है, मेरा अंग प्रत्यंग फड़क रहा है, पता नहीं कांता परसों की कह कर गई थी लेकिन लौट कर के अभी नहीं आई, बेटा मुझे चिंता सी हो रही है, पता नहीं मेरी बहू लौट करके क्यों नहीं आई। जब कांता के पति अपनी मैया की बात सुनते हैं तो कहने लगे हैं, माँ माँ आज मेरा भी मनसा घुट रहा है, कांता अभी तक लौट करके क्यों नहीं आई है, पता नहीं माँ। मैया कहने लगी है, बेटा मुझे तो असगुन से हो रहे हैं, तुम चले जाओ पता करो आखिर कांता लौट करके क्यों नहीं आई है। जब मैया की ये बात सुनी है तो हुआ क्या है, सुन मैया की बात रे के दिल में अति घबराओ, कांता के पास में आया है तो क्या देखा है, महाराज कांता से जगत पाई है यार, सुन के सारो हाल गिरो धरनी गस खाई है, मेरे बंसी वाले श्याम प्रभु ये क्या कर डाला है, मेरे बंसी वाले श्याम प्रभु ये क्या कर डाला है। उसी समय जब सुना है कि मेरा बेटा इस संसार में नहीं है, आज कांता का पति बेहोश होकर जमीन पर गिर गए, जब होश नहीं रहा तो आज कांता अपने पिया से कहने लगी है, साजन पीहर बेरी भाओ, कांता ने
कहो हाल वह सारो, हत्यारी बन गई भौजाई सैया बेटा हन डारो। हत्यारी बन गई भौजाई सैया बेटा हन डारो। मेरी सुने हुई गई गोदर इकलौता प्यारो मारो। साजन ये क्या हो गया, मैं सास जी से कल की कह के आई थी लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई, मेरे लिए तो पीहरी हत्यारा बन गया, भाभी ने मेरी गोद बिहूनी कर दी। पिया आज रो रही है कांता और कह रही है पिया। रोई रही दहाड़ी मारी मारी, मेरो कुमार कन्हैया सोई गोरे, मैके में क्या आई मेरो लाल गोद से रम गौरे। कह रही है हे भगवान ये क्या हो गया, अपने मायके में न आती तो ऐसा नहीं होता, ये क्या हो गया। रोई रही दहाड़ी मार मार, मेरे कुमार कन्हैया सोए गौरे, मायके में मैं क्या आई मेरे लाल गोद से रम गौरे। समझाया था लेकिन मैं नहीं मानी, अब मैं जा करके अपना मुंह न कैसे दिखाऊंगी, नहीं मैं अपने प्यार त्याग दूंगी लेकिन मैं वापस ससुराल में नहीं जाऊंगी। हाय बलम मैंने हट ढानी सासुल की न मानी रे, कैसे मुंह दिखलाऊं सास को करो प्राण की आनी रे। कह रही है भगवान धरनी मैया आज तू भट जा तो इमे जाऊ समाई रे, बेटा दो गमाई के मैंने कैसी कुमत कमाई रे। बेटा दो गमाई आई मैंने कैसी कुमत कमाई रे। ने
लाला श्याम आज मेरी किस्मत घुट गई, मेरे नंद के लाला श्याम आज मेरी किस्मत घुट गई। किस्मत घुट गई, हाय मेरी किस्मत घुट गई, मेरे नंद के लाला श्याम कन्हैया। भाइयों जब कांता रो रही है तो सब समझा रहे हैं, कांता धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो बेटी, रो मत। उसके पति को समझा रहे हैं। इधर जब रात में कांता के पति सो गए लेकिन कांता को नींद नहीं आई, जब अकेले में नींद नहीं आई है तो चारपाई को त्याग करके एक गहरे दरियाए में अपनी आत्महत्या कर लेती है। जब सवेरा हुआ है सब लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन कांता कहीं नहीं मिली। जब बाहर ढूंढा है जाकर के तो एक दरिया में उसकी लाश मिल जाती है। आज कांता के पति ने जब कांता की लाश को देखा है तो रोने लगे हैं और क्या कह रहे हैं, तुम छोड़ी चली गई आज रे बन के ने रमोही, तुम चली गई, ये तुमने क्या किया? महाराज के टुकड़ा देके चली गई, छोड़ी कुटुंब परिवार मोह ममता को तोड़ी गई, अब तो उनकी लेके लाश तुरंत निज गांव में आए हैं। भाइयों दोनों की लाश को लेकर के कांता के पति गांव में आते हैं, दोनों की लाश का दाह संस्कार करते हैं। यहीं पर हमारी कहानी का अंत होता है। मेरे सभी लोगों को नमस्कार। गांव में आए हैं कि भैया गांव में आए हैं, अब दो उनकी लेके लाश के भैया।